हेलो स्टूडेंट्स, Study24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करारोपण के सिद्धांत पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ टैक्सेशन, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन अपन कह सकते हैं। अब देखिए, करारोपण का सिद्धांत क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि करारोपण के सिद्धांत का आशय क्या होता है। ऐसे सिद्धांत जिसका पालन करते मतलब जिसका पालन करना पड़ता है, कि उसको सरकार को कब करना पड़ता है, कर लगाते समय, ठीक है, ताकि देश की जो कर प्रणाली है वो लाभदायक बने रहे, ठीक है। जब देश की कर प्रणाली को लाभदायक बनाने के लिए सरकार के द्वारा कर लगाते समय जिन नियमों का पालन किया जाता है, उसे हम कहते हैं करारोपण के सिद्धांत, ठीक है। और करारोपण के जो ये सिद्धांत है, उनका अगर किसी देश की सरकार के द्वारा पालन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस देश की जो कर प्रणाली है वो अच्छी हो सकती है। अब देखिए, करारोपण के जो सिद्धांत है, उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है एडम स्मिथ के जो सिद्धांत है, और दूसरा अन्य अर्थशास्त्री ने जो भी सिद्धांत दिए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडम स्मिथ के सिद्धांत। तो एडम स्मिथ ने करारोपण के चार सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, ठीक है। एडम स्मिथ ने करारोपण के चार सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहला हमारा समानता का सिद्धांत, ठीक है। तो एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि लोगों पर जो कर लगाए जा रहे हैं, तो सरकार की जो कर प्रणाली वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि उन सभी लोगों पर कर का जो भार है वो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी के ऊपर कर भार ज़्यादा हो और किसी के ऊपर कर भार कम हो। मतलब लोगों की, नागरिकों की जो कर देने की क्षमता होती है, ठीक है, कर दे क्षमता होती है, जितनी उनकी आय होती है, आय के अनुसार कर लगाया जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एडम स्मिथ है, वो कर प्रणाली में जो आनुपातिक कर है उनको वो महत्व देता है। मतलब वो क्या कहता है, लोगों की जो करादान क्षमता होती है, टैक्सेबल कैपेसिटी जो होती है, कर दे क्षमता होती है, उसी के अनुसार कर लगाया जाना चाहिए, ठीक है। तो सरकार को अपने कर प्रणाली में इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो पहला सिद्धांत हमारा हो गया है समानता का सिद्धांत, ठीक है। तो पहला हमारा समानता का सिद्धांत है। और इस बारे में जैसे जो एडम स्मिथ है, उन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में इसके बारे में विचार प्रकट किए हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि लोग जो हैं, समाज व्यक्ति जो होता है वो सरकार के संरक्षण में रहकर क्या है, आय प्राप्त करता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसको कर चुकाना चाहिए, और कर चुकाने के लिए उसको एक तरह से आनुपातिक कर, मतलब उसकी कर दे क्षमता जो होती है उसी के अनुसार उसको कर चुकाना चाहिए। दूसरा सिद्धांत हमारा है निश्चितता का सिद्धांत। तो एडम स्मिथ कहता है कि निश्चितता का जो सिद्धांत, वो क्या बताता है कि सरकार के द्वारा जो टैक्स वसूला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो करदाता जो कर चुका रहा है, उसको पता होना चाहिए कि कितना कर चुकाना है और कब चुकाना है, कर की राशि कितनी है, कब चुकाना है, ये निश्चित होना चाहिए। मतलब करदाता को इसके बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है कि कर कितना चुकाना है, उसकी राशि कितनी है, मात्रा कितनी है, समय कब है, और भुगतान की विधि क्या है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सरकार और करदाता दोनों को लाभ होगा। सरकार को पता होगा कि उसको करों के माध्यम से कितनी आय प्राप्त होगी, और जो करदाता है उसको पता होगा कि उसको कर की कितनी राशि चुकानी है और कब चुकानी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो राशि जो चुकाएगा उसकी वो आराम से व्यवस्था कर सकता है। जब करों की राशि निश्चित होती है, समय भी निश्चित होगा, तो ठीक है। तो ये हमारा हो गया है दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत हमारा है सुविधा का सिद्धांत। अब देखिए, सुविधा का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो करदाता कर चुका रहे हैं, ठीक है, तो करदाता
कर चुका है इसलिए उनको सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है, सुविधा का सिद्धांत क्या कहता है कि सरकार को व्यक्ति कर चुकाता है, करदाता के द्वारा कर चुकाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कर चुकाते समय लोगों को त्याग करना पड़ता है, और त्याग करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में करों की वसूली करते समय जो करदाता है उसको सरकार की तरफ से सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, जो समय है वो भी सुविधाजनक होना चाहिए। ठीक है, करदाता को कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कहें कि जैसे इनकम टैक्स लग रहा है आयकर, तो आय कर जो है वो कब लगाना चाहिए, जब व्यक्ति को आय की प्राप्ति होती है उस समय लगाना चाहिए। बिक्री कर कब लगाना चाहिए, जब वस्तुओं को बेचा जा रहा है उस समय लगाना चाहिए। तो इस प्रकार लोगों को करदाता को सुविधा मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है सुविधा का सिद्धांत, मतलब लोगों को जो कष्ट है वो कम हो जाना चाहिए। करदाता को सुविधा मिलेगी तो जो कष्ट है वो अपने आप कम हो जाएगा, और कष्ट कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में करों की चोरी भी नहीं होगी, करों की चोरी में भी एक तरह से कमी आ जाएगी। और चौथा जो सिद्धांत है, अंतिम सिद्धांत एडम स्मिथ का, वो है मितव्ययिता का सिद्धांत। ठीक है, एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि कर प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि करों को वसूल करने में, ठीक है, कर प्रणाली एक तरह से क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, मतलब करों को वसूल करने में खर्चा कम से कम हो, और करदाता के द्वारा जो भी राशि चुकाई जा रही है, ठीक है, जो भी कर जमा कराया जाता है उसका अधिकतम भाग क्या होना चाहिए, खजाने में जमा होना चाहिए, कहने का मतलब। ठीक है, करदाता के द्वारा जो भी राशि चुकाई जा रही है उसका अधिक से अधिक भाग सरकार के पास में जमा होना चाहिए, और उसको वसूल करने के लिए, ठीक है, करों को सरकार के द्वारा वसूला जाता है तो उसमें सरकार का जो व्यय है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे सरकार के द्वारा उत्पादक कर भी लगाए जाते हैं, अनुत्पादक कर भी लगाए जाते हैं। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि जो उत्पादक कर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, मतलब उत्पादक करों से सरकार को आय जो है वो अधिक प्राप्त होती है, जबकि अनुत्पादक कर होते हैं, ठीक है, वो सही नहीं होते हैं। जैसे कि पहले भूमि और भवन पर कर लगाए जाते थे, तो प्रारंभ में इन करों से जो आय होती थी, ठीक है, भूमि कर से, भवन कर से, तो जितनी आय प्राप्त होती थी उसकी तुलना में उनको वसूल करने में खर्चा ज़्यादा हो जाता था। ठीक है, तो मितव्ययिता का सिद्धांत क्या होता है कि कर प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। ठीक है, सरल का मतलब क्या हो गया कि करदाता के द्वारा जो पैसा जमा कराया जा रहा है उसका अधिकांश भाग खजाने में आना चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए जो व्यय हो रहा है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने चार सिद्धांत पढ़े हैं एडम स्मिथ के। अब हम अन्य अर्थशास्त्र ने जो सिद्धांत दिए हैं उसके बाद में उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हमारा है उसके बाद मतलब पांचवा सिद्धांत कह सकते हैं, चार तो हो गए एडम स्मिथ के। ठीक है, पांचवा सिद्धांत हमारा है सरलता का सिद्धांत। तो सरलता का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि सरकार के द्वारा जो करदाताओं से कर वसूला जा रहा है, ठीक है, तो कर एक तरह से क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए। मतलब सरल का मतलब क्या हो गया कि जो कर लोगों को चुकाना है लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है, आसानी से उसकी गणना कर सकें कि उसे कितना कर चुकाना है, तो ऐसी स्थिति में करों की जो चोरी है वो भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें कर अधिकारी जो होंगे उनका जो अन्याय है वो एक तरह से कम होगा। भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो भारत में जो आय कर है वो एक तरह से क्या है, जटिलता है उसमें, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सरकार के द्वारा उसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि आय कर की जो जटिलता है वो कम हो जाए। या GST हम देखते हैं तो प्रारंभ में जब प्रारंभ लगाया गया था तो उसमें बहुत ही वो कठिन था, एक तरह से उसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना किया गया था, लेकिन सरकार के द्वारा धीरे धीरे उनमें जो जो भी समस्या आई हैं तो उनको सरल करने का प्रयास किया गया है। तो सरलता का सिद्धांत यही कहता है कि जो कर प्रणाली है वो एक तरह से सरल होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि करों की गणना करने के लिए किसी विशेषज्ञों की आवश्यकता हो, और मतलब कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि जो करदाता है वो आसानी से कर की गणना कर सके कि उसे कितना कर चुकाना है। फिर छठा सिद्धांत हमारा है लोचता का सिद्धांत। ठीक है, जो किसने दिया था, प्रोफेसर बेस्टरबल ने। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो सार्वजनिक कर प्रणाली है, कर प्रणाली में लोचता का गुण होना चाहिए, मतलब आवश्यकता पड़ने पर उसमें कमी वृद्धि की जा सके। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर करों में कमी वृद्धि की जा सके, इस प्रकार का गुण होना चाहिए।
जैसे भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो भारतीय कर प्रणाली में जो आय कर है उसमें लोचता का गुण पाया जाता है। समय समय पर क्या होता है, करों की जो दरें हैं उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। तो कर प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकें, ठीक है, बड़ा ना हो। संकट के समय जैसे अधिक धन की आवश्यकता हो तो करों को बढ़ा दिया, सामान्य परिस्थिति में अगर कम आवश्यकता है तो करों की दरों को कम कर दिया। तो समय समय पर उसमें परिवर्तन किया जा सके, ऐसी प्रणाली होनी चाहिए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लोचता का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा है उत्पादकता का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी प्रोफेसर बेस्टेबल ने ही प्रतिपादित किया था, ठीक है। उत्पादकता का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि सरकार के द्वारा जो कर वसूले जा रहे हैं तो कर एक तरह से क्या होना चाहिए, उनमें उत्पादकता का गुण होना चाहिए। मतलब करों से जो आय प्राप्त हो रही है उन करों को जो आय प्राप्त है वो ऐसा नहीं हो कि प्रशासनिक कार्यों में खर्च हो जाए, ठीक है। नहीं, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये प्रशासनिक कार्यों में जो खर्चा है वो एक तरह से कौन सा है, अनुत्पादक व्यय है, ठीक है। तो ऐसा मतलब ऐसे कर लगाना बेकार है, ठीक है। बुस्टेबल क्या कहते हैं कि अगर उत्पादकता का गुण नहीं है, सारी आय प्रशासनिक कार्यों में अगर खर्च हो जाती है तो ऐसा कर नहीं होना चाहिए। मतलब कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि जिससे वर्तमान में भी उत्पादन हो और भविष्य में भी आय अर्जित की जा सके, ठीक है। उत्पादक प्रणाली जो है, कर प्रणाली कैसी होनी चाहिए, उसमें उत्पादकता का गुण होना चाहिए। मतलब वर्तमान के साथ साथ में भविष्य में भी आय अर्जित कर सके, ठीक है। देश का जो उत्पादन का स्तर है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना चाहिए, विपरीत असर नहीं पड़ना चाहिए। मतलब अगर विपरीत प्रभाव वाले अगर कोई कर हैं, ऐसे कर जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन में कमी आ जाती है, ठीक है, तो ऐसे करों को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। ये हमारा है उत्पादकता का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा है विविधता का सिद्धांत, ठीक है। विविधता का सिद्धांत क्या कहता है कि कर जो है वो विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के होने चाहिए, ठीक है। भारत में अगर हम देखते हैं तो कर प्रणाली केंद्र को इस सिद्धांत का पालन करती है, क्योंकि भारत में है बहु प्रकार के कर हैं, ठीक है, बहुत प्रकार के कर हैं। जैसे अनेक प्रकार कर पाए जाते हैं भारत में, जैसे GST हो गया, ठीक है, सर्विस टैक्स हो गया, या फिर इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कर है भारत में, इसलिए भारत में इस सिद्धांत का पालन किया जाता है। और जब करों में विविधता का गुण होता है, जैसे क्या होता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति कर चुकाता है और कर चोरी की जो संभावना है वो भी कम होती है। आगे समझे विविधता का सिद्धांत क्या कहता है कि सरकार को आय प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कर लगाने चाहिए। कर जो है वो केवल एक प्रकार का नहीं होना चाहिए, अनेक प्रकार का होने पर सरकार का कुल राजस्व क्या होगा, बढ़ेगा, और कर चोरी की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपना करों में योगदान देता है, ठीक है, तो इससे लोगों में असंतोष भी नहीं होगा। नेक्स्ट सिद्धांत हमारा है वांछनीयता का सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो सरकार के द्वारा कर वसूला जा रहा है, ठीक है, तो वो कर क्यों वसूला जा रहा है उसका औचित्य सिद्ध होना चाहिए कि हाँ ये कर लिया जा रहा है तो क्यों लिया जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है उसका है, ठीक है। तो किस आधार पर कर लिया जा रहा है वो सिद्ध होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि लोगों के बीच में संदेह हो कि हाँ भाई ये टैक्स वसूला जा रहा है तो ये क्यों वसूला जा रहा, मतलब जिसके बीच कोई समुचित आधार नहीं हो तो ऐसा कर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो जो प्रजातंत्र देश होते हैं, ठीक है, जहाँ पर सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे जनता के द्वारा विरोध किया जाएगा। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि वांछनीयता का सिद्धांत क्या कहता है कि ऐसे कर जिसका जनता विरोध करती है वो नहीं लगाना चाहिए, और सामान्यतः जो पुराने कर जो पहले से चले आ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले से कर चले आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में लोग उनका विरोध नहीं करते हैं, लोग उनका एक तरह से आदी हो जाते हैं, ठीक है। तो नए कर जब आते हैं तब लोग उनका विरोध कर सकते हैं, ठीक है। तो पुराने कर जो होते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। फिर हमारा जो सिद्धांत है वो है एक रूपता का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत हमारा कौन सा है, एक रूपता का जो सिद्धांत है वो अर्थशास्त्री एक तो है निट्टी और दूसरे हैं कोनार्ड, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और इन्होंने क्या बताया कि जो सरकार के द्वारा कर लगाया जा रहा है तो कर भार में एक रूपता होनी चाहिए, मतलब करों की जो दर है वो समान होनी चाहिए। मतलब सभी लोग जो भी कर चुका रहे हैं उनको सभी को समान त्याग करना पड़े, ठीक
ठीक है। जब लोगों के द्वारा जो त्याग किया जा रहा है सभी लोगों के त्याग का स्तर समान होगा, तो ऐसी स्थिति में लोग उसका विरोध नहीं करेंगे, किसी भी वर्ग में असंतोष की भावना नहीं होती है। तो लोगों के द्वारा जो कर चुकाया जाना है उनसे जो त्याग होता है, क्योंकि कर चुकाते तो लोगों को क्या होता है, कष्ट होता है, त्याग होता है, तो त्याग सभी व्यक्तियों के लिए क्या होना चाहिए, समान। तो इसको हम कहते हैं एक रूपता का सिद्धांत। और फिर हमारा जो अंतिम सिद्धांत है वो है समन्वय का सिद्धांत। अब देखिए समन्वय का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि सरकार की जो कर प्रणाली है, जो कर व्यवस्था है, करों को एकत्रित करने वाले जो विभिन्न विभाग हैं, चाहे वो देश या चाहे राज्य स्तर पर हो, तो ऐसी स्थिति में उनमें आपसी समन्वय होना आवश्यक है। ठीक है, एक क्षेत्र के द्वारा दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर एक क्षेत्र के द्वारा दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो करों से राजस्व प्राप्त हो रहा है उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, और कर जो होते हैं उनके लिए आपस में प्रतियोगिता भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कर तो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, तो विभिन्न कर एक दूसरे के विपरीत नहीं होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जो समन्वय का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि सरकारी जो विभाग है, कर विभाग जो होते हैं, उनमें आपसी सामंजस्य होना चाहिए और वो एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करें, इस प्रकार का होना चाहिए। कि भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो जो आय कर वसूलने का अधिकार है, ठीक है, तो आय कर जो है वो कौन वसूलती है, केंद्र सरकार। और जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी जो है उसमें केंद्र सरकार का अलग हिस्सा होता है, राज्य सरकार का अलग हिस्सा होता है। तो इस तरीके से इनके क्षेत्र क्या होने चाहिए, बटे होने चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा, करों से प्राप्त राजस्व अधिक होगा। ठीक है, तो कर एक दूसरे के विरोधी नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के विपरीत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे गुण अगर हमने जो सिद्धांत पढ़े हैं, तो किसी भी देश के द्वारा अगर इन सारे सिद्धांतों को अपनाया जाता है तो वो कर प्रणाली क्या होती है, अच्छी कर प्रणाली समझी जाती है। लेकिन वास्तविक जीवन में अगर देखा जाए तो ऐसा गुण मिलना, कि सारे गुण अगर किसी देश की सरकार में मिल जाए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, ऐसे गुण मिलना एक तरह से क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है।